है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर कहाँ तक पढ़ाया था, कि कोई बताएगा? बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना? हेलो, सर, आवाज। सम सॉल्व किया था हम लोग ने फैक्टर थ्योरम का। हाँ अच्छा, फैक्टर थ्योरम तक पढ़ लिया था, है ना? सर, चलो, तो समझ में आया था सब? फैक्टर थ्योरम का कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर फैक्टर और रिमाइंडर का भी क्या था? हाँ, वही रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फैक्टर थ्योरम। तो वहां तक हम लोगों ने क्वेश्चंस भी, एग्जांपल्स भी इनफ कर लिए थे, है ना? किए थे ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम भी देख लिया हम लोगों ने। देखो यार, अब ये चैप्टर बहुत अच्छे से देखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस चैप्टर को ऐसा नहीं है कि ऐसे बाकी चैप्टर से थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है इस चैप्टर में, क्योंकि आपको पता है कि आगे के जो भी फ्यूचर के आपके स्टडीज होंगे, ये चैप्टर बहुत काम आने वाले हैं। तो डिवीजन के भी क्वेश्चंस आई थिंक हम लोगों ने किए थे, क्यों किए थे ना, या नहीं किए थे? लॉन्ग डिवीजन वाला हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला। सर, हम लोग स्टार्टिंग में कर दो ना, आपने थोड़ा दिया था सम लॉन्ग डिवीजन का। हाँ हाँ, तो वही स्टार्टिंग में मैं तो कर लिया ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज। सर, हाँ सर, बहुत सारे हाँ, लॉन्ग डिवीजन। हाँ सर, क्वेश्चंस किए थे ना किए थे तो ये सब अपने को आना चाहिए। तो आगे हम रिमाइंडर लोग थ्योरम के फैक्टर बारे थ्योरम, में। रिमाइंडर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन सब देख लिया। तो आज हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं। ठीक है, आज क्या देखते हैं? एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आइडेंटिटीज क्या होता है? नाउ यू सी, आइडेंटिटीज का मतलब होता है, आपको ही पता है कि रियल लाइफ में भी किसी भी इंसान का आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होता है। सेम यहां भी आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी आइडेंटिटी मतलब होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो कि सारे वेरिएबल्स के वैल्यूज, मतलब वेरिएबल की जगह आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो वो करेक्ट होगा, हमेशा सही होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सबसे फेमस, सबसे पहला, सबसे बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो आपने पहले भी देखा होगा। हार्दिक कुलकर्णी, आपको दिख रहा है? हाँ, हाँ सर, दिख रहा है? लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं सर, दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है, हार्दिक कुलकर्णी मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों हेलो सर? हरदे, अच्छा सर, समझा मैं। सुक्रे, देवांश, आपको नहीं लिखना है व्हाइट बोर्ड कुछ भी? हेलो ईशान, सुक्रेत, सब बढ़िया? यस हाँ श्रवण, बाल तेरा बहुत अच्छा दिखेगा। अब चलिए पढ़ाई पे फोकस करते हैं। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ईशान, आपने अभी नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा। नाउ सेम यहां से भी, मतलब ये अगर किसी को मन करे कि ये सर आया कहाँ से, तो बचपन की यादें थोड़ा सा ताजा करो। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आपको पता है क्या हो जाता है, क्या मिल जाता है? इनको आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी ए, जिसको ए बी भी लिख सकते हैं, और बी इंटू बी बी स्क्वायर। सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कितना अच्छा राइमिंग राइम होता है ना ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ए प्लस बी बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाता है जो आपको याद रखना है। और ये याद होगा भी, मुझे पता है। सेम ए माइनस बी होल स्क्वायर भी इससे मिलता जुलता आइडेंटिटी हो जाता है, जो ये कहता है कि ए स्क्वायर माइनस टू ए सर, प्लस बी स्क्वायर मैं तो बन के दिखाऊंगा। सर ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, पता होना चाहिए आपको ये दोनों। अब पता होगा, पता है मुझे। और एक और आपने देखा होगा, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए इंटू प्लस बी इनटू ए माइनस ए बी माइनस बी। मन में सवाल आया, सर ये कैसा आया? तो देखो, ए सर, स्क्वायर मैं माइनस बी, या तो आप आरएचएस को मल्टीप्लाई कर दो, या क्या होता है कि मैथ्स में बहुत अच्छा रहता है अगर आप, हेलो अतुल झा, अतुल झा आप किस बैच के हो? हेलो
सो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है. अगर अपने को ये अब प्रूव करना है तो LHS से RHS प्रूव करना ज्यादा अच्छा थोड़ा दिखता है. इसमें ए बी एड भी कर दो, इसमें ए बी सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी कॉमन लिया, ए प्लस बी है ना श्रवण पात्रो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस बी इस तरह से प्रूव कर दिया हम लोग, ठीक है. ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो गए. आगे बढ़ते हैं, इतना ही खत्म नहीं होता. सर मैं चीज पूछ सकता हूँ? अरे बिल्कुल, दो चीज पूछो. सर ये हम लोग ने सर इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी ऐसे क्यों लिखा सर? ऐसे लिखा ताकि फैक्टराइज कर पाए, है ना देवांश आनंद और ईशान, ताकि हम इसको फैक्टराइज कर पाए. ओके आयुष. ओके सर. पर सर ये मतलब सर समझेंगे कैसे कि हमें ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी फिर माइनस बी स्क्वायर करके लिखना है? मतलब सर ऐसे मैं जैसे प्रूफ किया तो सर मुझे तो नहीं आया दिमाग में कि ऐसे करना है. वो प्रैक्टिस के साथ आपको दिमाग में आने लगे, पहली चीज. ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आने लगेगा. और दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो दो चार मतलब प्रैक्टिस के साथ ऐसे भी आएगा, पांच छह एग्जाम्पल करोगे तो आपको दिमाग में फिर अच्छा देखने लगेगा, अच्छा इस टाइप के एग्जाम्पल में कभी तो मैंने ऐसे किया था, तो ये वाले में भी ऐसे करके देखता हूँ, है कि नहीं? ओके सर. सो ए का माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, कोई दिक्कत याद है किसी को? समझ में आया? यस सर. आगे बढ़ते हैं. अब ये फर्स्ट वाले से ही बाहर निकलता है एक और आइडेंटिटी विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये भी पता होना चाहिए और नोट डाउन करने का मैं बहुत इनफ टाइम दूंगा, इसलिए अभी सिर्फ इधर देखिए आप लोग. So, a square plus b square is, a square plus b square क्या हो जाता है? जैसे a plus b whole square अपने को पता है, a square plus 2ab plus b square, ठीक है? तो a square plus b square यहां से चाहिए, तो RHS से देखो a square plus b square क्या हो, a plus b whole square, और जो ये RHS का 2ab है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस हो जाएगा, है ना देवांश? नोट डाउन करने का टाइम मिलेगा अभी, सिर्फ देखो. तो माइनस टू ए मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. क्या ऐसा कर सकते हैं बताइए? हाँ सर. यस सर. ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी. सो दिस विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी. अब वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और हो सकता है इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, आप देखोगे तो क्या हो जाएगा. अब a माइनस बी होल स्क्वायर पता है, सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब यहां से भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ सकता है, तो यहां से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखोगे तो अब ये टू ए बी माइनस है, ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. So this will be a minus b whole square plus 2a. ठीक है? तो ये दोनों अब देखो ध्यान हम लोग नहीं दे रहे हैं, इधर नींद आ रही है हम लोगों को, तो वो नहीं, इधर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके देखो. ठीक है ईशान, एनके एनपी वन, तो क्या होगा अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि दो फॉर्मूला मिल गया, एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी. मतलब कि अगर इत्थे इत्थे अगर प्लस रहा तो यहाँ माइनस हो गया, और इत्थे अगर माइनस रहा तो इत्थे प्लस हो गया. एक जगह माइनस तो दूसरी जगह प्लस, एक जगह प्लस तो दूसरी जगह माइनस. आई बात समझ में? हाँ सर. यस सर. विदाउट? नो सर. नहीं ना, तो यहां तक ये स्क्वायर वाले टर्म अपने को पता होना चाहिए, कैसे आया क्या आया वो भी हम लोगों ने देख लिया है, वो सभी पता होना चाहिए. कैसे क्या की चीजें मैं हटा दूं या ये भी कॉपी करा दूं, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है. मुझे सर मुझे वो वाले कॉपी करना है, ये लास्ट के जो तीन लिखे हैं वो भी करना है सर, लास्ट वाले तीन फर्स्ट टू. अच्छा ठीक है, फिर रहने दो, आगे देख लेते हैं. सर अगर आपको प्रॉब्लम है मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं सर, फिर आप मिटा लीजिएगा. नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मतलब मस्त आदमी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ये सारंग क्या नाम है,
सारंग पाटिल आप किस बैच के हो? सारंग पाटिल, हेलो सारंग, जैसे आपका मन करे तुरंत बताना कि आप किस बैच के हो, अगर नहीं बताओगे तो मैं आपको अटेंड करने कैसे दूंगा, है ना? या तो बैच बताइए आप। सारंग, नेक्स्ट होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी, या टू ए बी भी लिखते हैं उसको, है ना? टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। सारंग आई एम स्टिल वेटिंग, आप कुछ बोलो सर, अभी आप हटा सकते हैं। आया समझ में? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं आया तक? यस सर। नो सर, नो दिक्कत। नहीं ना? लिखा सर। नहीं लिखा सर। तो अब ये आया किधर से? अब हटा दूं बाकी लोग, और किसी को अगर यहाँ तक कॉपी करना है तो कर सकते हैं। करना है यहाँ तक कॉपी? कर लो। यस सर, करना है। कर लीजिए। ज्यादा जगह लिख लिया, जल्दी बताइए, थोड़ा जल्दी करो। लिख लिया सर, एक मिनट। तो बाकी है किसी का? यस सर। Yes, sir. समझ में आया सबको? Yes, sir. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि prove that a plus b plus c whole square is this a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus c, इसको prove भी कर सकते हैं। देखो proving का फायदा क्या होता है ना, कि अगर आपको prove करना आता है तो if in case कभी भूल जाओ कोई formula तो उसे तुरंत याद रख सकते हैं, है ना? तुरंत उसको मतलब याद कर सकते हैं, इन द सेंस तुरंत एक मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसको डिराइव करके, हम लोग ऐसे तुरंत याद आ जाएगा। आई बात समझ में? और प्रूफ प्रूफ पता होने का दूसरा फायदा कि आप वो कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझ जाओगे कि ये जो चीजें आपकी प्रॉब्लम्स है, जैसे भी आयुष ने बताया कि सर हमारे दिमाग में ही नहीं आता है करें कैसे, तो वो चीजें भी इम्प्रूव हो गई उससे, अगर प्रूफ हर चीज का पता होगा तो। खैर इसका प्रूफ तो बहुत ही आसान है, इसको बहुत इजीली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको ही पता है, एलएचएस से एलएचएस करना है तो a plus b plus c को a plus b plus c से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई तो क्या मैं करके दिखाऊं या चलेगा? नहीं भी करूं तो नहीं, तो खुद से कर लेंगे सर। चल जाए, खुद से कर लेंगे कर लेंगे सर, वही है ना मल्टीप्लिकेशन। हां बिल्कुल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। हां सर, a2 plus b2 plus c2 plus 2b c plus 2c, देखो कितना अच्छा राइम कर रहा है, एकदम ऐसे एक लहर की तरह चल रहा है ना। a plus b plus c whole square is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c, कभी नहीं भूलना है, मतलब चांस ही नहीं होना चाहिए भूलने में, है कि नहीं बताओ? सर असल में मुझे बस वही डाउट था कि सर वो प्लस ab है माइनस ab क्या है, किधर प्लस है कि माइनस है क्या सर, वो मैंने उसमें पूछा था ना आपसे। हां तो अभी ठीक है ना? हां सर अभी समझ।
अब देखो, अब इससे देखो, इसके जैसे आप उसमें पढ़ोगे आगे कोरोलरी एक पार्ट होता है, मतलब कि उससे कुछ चीजें बाहर निकल के निकल। देवांश जी अभी देखिए सर, सर कॉपी कीजिएगा ना बाद में, अभी देखिए ना, है ना क्षितिज, क्या तुम लोग ऐसे, क्या पेन नहीं चलता तो नींद आने लगती है क्या? नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। अभी थोड़ा सा देखो, बाद में मस्त लिखना, अभी देखो सर। अब क्या हो सकता है कि आपको ये पूछा जा सकता है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो आपको क्या सोचना है कि जिधर जिधर भी c होगा उधर उधर वो उसे माइनस कर दे, लेकिन जहां c स्क्वायर होगा वो तो प्लस ही होगा मिस्टर सुकृत, है कि नहीं? या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको प्लस माइनस सी लिख दो और इसको होल स्क्वायर कर दो, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, सी की जगह माइनस सी आ गया ना, प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस टू इंटू बी इंटू माइनस सी प्लस टू इंटू माइनस सी इंटू ए। ओके समझा? ये क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो माइनस सी का स्क्वायर तो प्लस सी स्क्वायर ही होगा, प्लस टू ए बी, अब देखो टू बी इंटू माइनस सी माइनस टू बी सी, और टू इंटू माइनस सी इंटू ए माइनस टू सी। Understood, tell me, Kavya Churi? Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो कुछ चीजें और ऑब्जर्व करने वाली होती है। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ, स्क्वायर टर्म में जब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कर रहे थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो कुछ भी हो जाए पॉजिटिव ही रहे, और जहां जिस जिस टर्म में सी रहेगा, मतलब जो भी टर्म नेगेटिव है वो जहां जहां रहेगा उसको नेगेटिव कर देते, और अगर एक ही टर्म में दो नेगेटिव वाले आ गए तो वो पॉजिटिव ही रह जाएगा, है कि नहीं? यस सर। इससे मिलता जुलता दो चार मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अब तुरंत लिखना नहीं है, सोच के बोलना है। सबसे पहले जो सबसे अच्छा स्टूडेंट अपना देवांश आनंद, अब बताइए a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये क्या होगा? सर बोलना है, लिखना है? देवांश बोलिए जल्दी सर, ऐसे तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आप ऐसे दिमाग ही नहीं लगाना चाहते हो, जैसे मैंने लिखा है वैसे दिमाग लगाओ तो सही, ऐसे नहीं बोल पाओगे तो कैसे चलेगा? सोचो तो सही एक बार, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, सोच के देखो क्या पता हो जाए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c है। तो पहले क्यों बोला कि ऐसे तो नहीं बोल पाऊंगा? नहीं आ रहा था सर समझ में, अभी आया। नहीं आ रहा समझ में? आपका एज एक्चुअली कितना है? उस लेवल की बातें करने की कोशिश कर रहे हो, आराम से। So a minus b plus a whole square is, आपने सही बोला a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc plus 2c, ठीक है? ईशान जी आप बताइए minus a plus b plus c whole square क्या होगा? ईशान अभी बोलो ना सर, सर ऐसे नहीं बोल पाऊंगा, दिक्कत है, बोलो सर। हाँ सर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, बाल सही है, बाल सही है, सिर्फ बोल सकते हो। हाँ दिन भर सब लोग तुम लोग बाल ही सेट करते रहते हैं। हाँ तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आगे सर, फिर अभी भी नहीं सुधर रहा है कुछ कुछ इंसान। फिर सर माइनस ए बी टू ए बी, अच्छा आगे सर माइनस टू ए बी प्लस बी सी टू बी सी, हाँ प्लस टू सी ए, प्लस टू सी ए, फिर से बोलो सर माइनस टू सी ए, मतलब माइनस टू सी ए, फिर से बोलो सर माइनस, पक्का सोच लो माइनस ही होगा। अब देखो बाकी लोग क्यों समझा ना, एक ही गलती क्या, आपने यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बोला या तो प्लस ए स्क्वायर है ना, मैंने पहले ही बता दिया कुछ भी हो जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों तो पॉजिटिव रहेगा, है कि नहीं ईशान? तो उन तीनों को तो पॉजिटिव ही रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस। काव्या चुरी आप बताइए ए माइनस बी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, अभी मत बताना,
काव्या आपके लिए सवाल है, पी माइनस क्यू माइनस आर होल स्क्वायर, चलिए जल्दी से बता दीजिए तो। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू टू पी क्यू माइनस क्यू आर टू क्यू आर माइनस टू आर पी। क्षितिज क्या सब सही है इसमें या कुछ चेंजेस चाहते हो आप? सर वो माइनस टू क्यू आर प्लस टू क्यू आर होगा ना। अच्छा क्षितिज जी का कहना है यहाँ प्लस होगा। काव्या आप कुछ कहना चाहती है? माइनस ही रखूँ या प्लस कर दूँ? मैंने क्या बोला था, अगर दो टर्म्स नेगेटिव हो गया तो दोनों मिलके पॉजिटिव बना दिया ना, तो क्यू आर वाले में क्यू भी नेगेटिव है आर भी नेगेटिव है, तो क्यू का नेगेटिव आर का नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू पी क्यू प्लस टू क्यू आर माइनस टू आर। यही बात समझ में? Yes. कभी क्या लाइफ में बोलोगे ये? नो सर, कभी नहीं बोलना है। चलो आगे कौन बताएगा, चलिए बताइए आयुष, आयुष तुम बताओ। एम माइनस एम प्लस एन माइनस पी होल स्क्वायर क्या होगा? सर एम स्क्वायर प्लस एन प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर फिर सर प्लस टू एम पी सॉरी सर माइनस टू एम एन माइनस टू एम एन कर दीजिए माइनस टू एम एन फिर प्लस सर कोई बात नहीं आराम से जल्दी क्या है गलती भी हो जाएगा तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूं माइनस टू एन पी और प्लस टू एम पी माइनस यहाँ पे भी माइनस डालू टू एन हाँ सर टू माइनस टू एन पी प्लस टू एम पी। अच्छा क्या बाकी लोग कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए कि सही है गलत है? हार्दिक जी सर लास्ट में प्लस टू पी एम तो ये वाला भी सही है तो दिस वन इज करेक्ट दिस वन इज करेक्ट दिस वन इज करेक्ट एवरीवन इज करेक्ट सॉरी एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके एक और करते हैं, अब कौन बताएगा, किसको इंटरेस्ट है बताने का? शार्वेल कौन कौन बचा है? सर मैं बताऊं? हार्दिक आपको बताना है। चलिए हार्दिक आपके लिए कुछ स्पेशल सवाल लाते हैं। स्पेशल सवाल ये है आयुष प्लस हार्दिक माइनस पात्रो होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा? हार्दिक हाँ सर बोलो। पेन वेन का यूज मत करना, पेन का यूज मत करना, ऐसे सोच के बोलो। हाँ आयुष स्क्वायर प्लस हार्दिक स्क्वायर प्लस पात्रो स्क्वायर प्लस टू आयुष हार्दिक माइनस हार्दिक पात्र माइनस टू हार्दिक पात्रो आगे माइनस टू पात्रो आयुष। ओके एकदम सही है, गुड है कि नहीं? चला मतलब आपको समझ में आ गया और हार्दिक का भी हो गया। हाँ बोलो किसको क्या बोलना है? माइनस पात्रो माइनस कुछ तो क्या लिखूं श्रवण पात्रो एनवीवन नहीं सरुण पात्रो माइंड इट ये बोलो। हाँ बोलो
सर श्रवण स्क्वायर प्लस पात्र स्क्वायर प्लस माइंडेड स्क्वायर प्लस माइंड स्क्वायर माइनस माइंडेड स्क्वायर तक हुआ, उसके आगे हाँ सर वही बोल रहा हूँ, माइंडेड के आगे बोल रहा हूँ, माइनस माइनस टू श्रवण माइंडेड। अरे कंफ्यूज मत हो, आप बीच में छोड़ दिया आपने, एक टर्म छोड़ दिया, चलो स्टार्टिंग से फिर से बोलो। ओके सर, श्रवण स्क्वायर प्लस पात्रो स्क्वायर प्लस माइंडेड स्क्वायर माइनस माइनस टू श्रवण माइंडेड प्लस टू पात्रो माइंडेड और सर माइनस टू श्रवण पात्रो। बिल्कुल सही है, लेकिन आपने वो बिल्कुल सही है, आपको कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो सीरियल रहा ऐसा रखेंगे कि पहले श्रवण पात्रो फिर पात्रो माइंडेड फिर एंड वाला माइंडेड श्रवण, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड फिर थर्ड फर्स्ट, बाकी लोग भी इस चीज का ध्यान रखना। ओके मतलब कि जनरली ऐसा होता है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है ना, सो ए इज फर्स्ट बी इज सेकंड बी इज सेकंड सी इज थर्ड ए इज फर्स्ट, ये सीरियल वाइज में ना फिर कंफ्यूजन के चांसेस बहुत और कम हो जाते हैं। ओके अच्छा ओके सर, तो ये सीरियल आप याद रखना। और कौन बचा, और किसी से पूछो, शार्विल आप बताओगे? हाँ सर। क्या वापस से कुछ ऐसा ही करें या नॉर्मल दूं? सर ऐसा ही फनी वाला, आपको जो चलेगा वो, मुझे कोई भी चलेगा, मुझे कोई भी चलेगा, रुक तू ज्यादा बोल रहे है शार्विल। अरे नहीं सर, आपने ही तो बोला। अरे सर मस्ती कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। माइनस ही वाले इसमें क्या डालू, शटअप का स्पेलिंग सही लिखा है मैंने? हाँ सर सही है। चलो बताओ। हाँ सर, तो शार्विल स्क्वायर प्लस हिवाले स्क्वायर। अच्छा तू शार्विल है ना, तू शार्विल बुलाता हूँ, चलेगा ना शार्विल? हाँ सर वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके बोलो। शार्विल स्क्वायर प्लस हिवाले स्क्वायर प्लस शटअप स्क्वायर प्लस शर्विल हिवाले स्क्वायर। सोच के आप कुछ मिस मत करना, सोच के पूरा अच्छे से दिमाग को कंसंट्रेट करके तब बोलो। हाँ सर इसलिए धीरे बोल रहा हूँ। ये धीरे था तेरा? अरे सर अभी धीरे बोलता हूँ, मतलब बोल बोल स्टार्टिंग से बोल दो, फिर से बोल दो। हाँ सर, हाँ सर, शर्विल स्क्वायर प्लस हिवाले स्क्वायर प्लस शटअप स्क्वायर तो शर्विल हिवाले स्क्वायर प्लस हिवाले शटअप स्क्वायर। मुझे कंफ्यूजन ये शर्विल हिवाले स्क्वायर क्यों होगा, मतलब ए बी स्क्वायर ऐसा वो माइनस माइनस है ना, तो वो स्क्वायर क्यों होगा, वो तो टू होता है ना, टू शर्विल हिवाले होता है। हाँ सर सॉरी सॉरी सॉरी, टू मल्टीप्लाई पे शर्विल हिवाले, हाँ वो कंफ्यूज। हाँ चलो वापस से बोलो, स्टार्टिंग तो वापस बोलता हूँ। हाँ तो शर्विल स्क्वायर प्लस हिवाले स्क्वायर प्लस शटअप स्क्वायर प्लस टू शर्विल हिवाले प्लस हिवाले प्लस टू हिवाले शटअप प्लस टू शटअप शर्विल। गुड, समझ में? तीन एक तीनों प्लस हो गया है ना, तीनों प्लस सर, क्योंकि माइनस था। हाँ क्योंकि तीनों में माइनस था तो तीनों प्लस हो गया, तो अब हो गया, इनफ हो गया। अब देखो आप एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे, वो ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो सकता है कि आप एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर तो फिक्स है, ठीक है, चलो ये ऑब्जर्वेशन, इसमें से कुछ कॉपी तो नहीं करना है ना, आगे बढ़ू? नो सर। यस सर आगे बढ़ो। हाँ सर बढ़िए। हाँ सर आगे बढ़िए। एक मैं एग्जांपल देता हूँ उसमें, 16 पी स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस 64 आर स्क्वायर माइनस 40 पी क्यू माइनस 80 क्यू आर माइनस 64 पी आर। ये सॉल्व करना है क्या अभी? एक सेकंड रुकना, इक्वल्स जहां सॉल्व करना है, पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं 4p प्लस 5q प्लस 8r होल स्क्वायर, सेकंड माइनस 4p माइनस 5q माइनस 8r होल स्क्वायर,
थर्ड 4b-5q-8r2 एंड डी नन ऑफ दी अबव। सर डन सर डन ठीक है सर डन और कोई जल्दी बताइए सर डन हाँ सर डन तो सब अपना चैट बॉक्स में आंसर लिखो ना जैसे लिखते थे चैट बॉक्स में सब लोग अपना आंसर लिख दो एबीसीडी क्या आंसर है आपका सर प्राइवेट हाँ सर प्राइवेट देने का है आपको प्राइवेट ही भेज पाओगे ऑप्शन ही वही मिलेगा ओके श्रवण क्षितिज शार्विल हार्दिक देवांश काव्या ईशान और कोई बचा कोई है कोई नहीं बाकी कुछ लोग और बचा है ओके सुकृत सुकृत तेरा माइक काम नहीं कर रहा है क्या आज नहीं सर कर रहा है ना बोल क्यों नहीं रहा है क्या तबीयत खराब है नहीं सर क्या यार तुम्हारी आवाज मिस कर रहा था मैं बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा आयुष का आंसर आ गया काव्या आपने आंसर दिया क्या काव्या हाँ काव्या के भी आ गया है ठीक है ईशान आपने भी दे दिया चलो गुड श्रवण पात्रो पात्रो का आंसर आ गया तो देखो ये सवाल देने का मकसद क्या है ये क्वेश्चन में देखो आप अब इन सारे टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे जो भी मैंने लिखा था सबको आप ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि किसी में भी जैसे फर्स्ट वाले को ऑब्जर्व करो ऊपर जो भी लिखा है मैंने यहाँ जो लिखा है तो पहला टर्म मतलब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा बाकी जो बच गए तो 2pq नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है बाकी सब भी देखोगे आप तो या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या कोई एक पॉजिटिव होगा दो नेगेटिव कि या तो तीनों पॉजिटिव होगा या एक पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव यही दोनों पॉसिबिलिटी है भले आप कितना भी प्लस माइनस करो ठीक है इसके अलावा तीनों नेगेटिव कभी पॉसिबल नहीं है ओके और दो पॉजिटिव एक नेगेटिव भी पॉसिबल नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन आप देखो तो इसमें तीनों नेगेटिव दिया था मैंने तो वो देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं पाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा डी ठीक है आया समझ में सबको क्लियर Yes, sir. लिखना है ये कॉपी करना है नहीं सर कर लिया गुड अब इसमें वापस आते हैं आगे कुछ और आइडेंटिटीज देखते हैं ये तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से रिलेटेड बातें कर रहे थे हम लोग और देखो आइडेंटिटीज कभी भूलना ही नहीं है भूलोगे तो फिर आगे आपके स्टडीज पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा भूल मतलब क्वेश्चंस नहीं होंगे आपको लगेगा फिर पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ क्योंकि फिर दिमाग में नहीं आएगा जब आइडेंटिटीज याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन जहाँ पे जरूरत होगी आपके दिमाग में नहीं आएगा क्वेश्चन होगा ही नहीं तो प्रॉब्लम होगी इसलिए सब बिल्कुल तो जैसे 2+2=4 होता है पता होता है ना वैसे ही सारे आइडेंटिटीज में जो भी लिखने वाला हूँ ये सब पता होगा ओके यस सर यस सर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आइडेंटिटी इज
स्क्वायर वाले सारे हो गए, अब क्यूब पे आते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब, ये होने वाला है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कैसे आया ये, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर, है ना, मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा। अब बहुत अच्छा ये भी राइम करता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना, बोलो कहीं भी राइमिंग ढूंढ लेते हो आप, ढूंढना पड़ेगा तभी याद रह पाता है, तुम भी ढूंढो। तो ए क्यूब देखो ए के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो घटता चला जा रहा है, देखो यहाँ ए रेज टू थ्री था, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए की भी ए नहीं, तो ए के पावर्स घटते चले जा रहे हैं। ऑब्जर्व करके ये सब ऑब्जर्वेशन है, ऐसे आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत कुछ देखेगा आप, और बी के पावर्स बढ़ता चला जाएगा, यहाँ थाइनी बी, यहाँ बी, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी क्यूब, है ना। तो ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि ए का पावर घट रहा है, बी का पावर बढ़ रहा है, और कोएफिशिएंट्स को देखो तो 1331 हो गया, तो कोएफिशिएंट हम लोग याद रख लेंगे और बाकी तो पता ही है कि नहीं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वैसे इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इसको आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को साथ में लिख लिया, और बाकी जो दोनों बीच वाला टर्म था उनसे थ्री ए बी कॉमन लेके ए प्लस बी लिख दिया, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ये आपको जनरली बहुत बार दिखता होगा, तो ये भी पता होना चाहिए। अब दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं अपने जरूरत पे है, ठीक है नहीं। अब इससे फायदा क्या है कि यहाँ से अगर आपको कभी कोई ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछे तो आप बाकी जो भी आर एच एस में बचा है उसको एल एच एस में भेज दो, तो आपको वो आइडेंटिटी मिल जाए, माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अगर ये वाला भूल गए तो ए प्लस बी होल क्यूब तुरंत लिखो कोने में और उससे देख लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ सकता है कि नहीं, ऐसा कर सकते हैं ना, बताइए। तो हर बार भूल जाओ, ए क्यूब प्लस बी होल क्यूब याद है तो डिराइव कर सकते हैं आप। और इसी में देखो, अब मैं यहाँ पे वापस ए क्यू प्लस बी क्यू ही लिख रहा हूँ, उसका ही एक और हो सकता है। तो आप देखो दोनों टर्म में ए प्लस बी है, अगर मैं कॉमन ले लूं तो पहले वाले में ए प्लस बी होल स्क्वायर बचेगा माइनस थ्री ए बी बचेगा, राइट। सो ये ए प्लस बी टू, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी आ जाएगा, और फाइनली ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर टू ए बी माइनस थ्री ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म हो जाता है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बी क्यूब। ओके, तो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप बोलोगे सर दोनों में से यूज किसका करेंगे, जब जिसकी जरूरत होगी उसका यूज करें, जब जिसकी जरूरत होगी उसका यूज करें। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज a plus b into a square minus ab plus b square or a plus b whole cube minus 3ab into a plus b, दोनों ही हो सकता है। ओके, आया समझ में? यस सर, कोई दिक्कत? सर एक बार और समझा सकते हैं, नहीं समझ में आया मेरे। यहाँ पे a plus b का whole cube लिखा हुआ है, उसके बाद formula के अंदर a minus b लिखा हुआ है। जी 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 जी, सर क्या हुआ ना, यहाँ देखो आपको दोनों टर्म में a plus b दिख रहा है, दोनों टर्म अब टर्म क्या होता है जो प्लस या माइनस से डिफाइन होता है, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो ए प्लस बी होल क्यूब और थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी से क्या ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेना मतलब जो टर्म दोनों में है वो उसको कॉमन ले सकते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, दोनों में एक्स दिख लिया दिख रहा है बाहर निकाल लिया, ये बच गया, ये सब पढ़ा था ना बचपन में, आज से दो चार पढ़े थे, तो वही किया, अभी समझा बाकी लोगों को भी? Yes, sir. Yes. सर, 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 इस तो होल क्यूब था सर, आपने नीचे वाले में लिखा था कि a plus b होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, सर ऊपर वाले में a plus, सर ऊपर वाले में आपने जो कॉमन निकाला सर उसके पहले आपने कैसे लिखा था, कॉमन निकालने के पहले कॉमन निकालने के पहले नीचे लिखा है ना, वही तो लिखा है, देखो कॉमन निकालने से कॉमन निकाला,
कॉमन निकालने के पहले चलो इसके ऊपर लिख देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, अब देखो तो अब देखो दोनों टर्म से ए प्लस बी बाहर आ सकता है। बोलो। हाँ सर, हाँ समझ गया सर। अभी समझा सब लोगों को? हाँ सर। तो यहाँ से दोनों आ गया है, सो ए क्यू प्लस बी क्यू दोनों पता होना चाहिए, कभी भी कोई भी यूज में आ सकता है, ठीक है याद रखना। अब बढ़ते हैं ए माइनस बी होल क्यूब की तरफ। ये इसमें भी कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो ए माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर। नेटवर्क इनस्टेबल अनस्टेबल हो रहा है तो सर मैं जरा वीडियो ऑफ कर लूँ क्या, सर आपका आवाज मेरे लिए लैग हो रहा है। हाँ ठीक है। So, a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube ये हो जाता है। अब आप बोलोगे ये किधर से आया, तो भाई a minus b को तीन बार गुना कर थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करो आपको मिल जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हो इसको a plus minus b whole cube कर सकते हो। और a plus b whole cube पता है जहां जहां b है वहां वहां क्या रखते हो, माइनस भी रखते हो, क्या ऐसा कर सकते हैं? यस सर। हाँ सर। प्लस बी क्यूब तो बी माइनस बी होल क्यूब, अब क्यूब में तो ऐसा नहीं होगा ना कि प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो ये दोनों तरीके से हम लोग देख सकते हैं। सो ए माइनस बी होल क्यूब मिल गया, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। वापस से वही चीज कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप साथ में लिख सकते हो, तो क्या होगा बाकी दोनों टर्म से थ्री ए बी कॉमन होके ए माइनस बी बचेगा। ओके ठीक है, बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। वैसे ही yes, sir. यहां से अगर a क्यूब माइनस b क्यूब चाहिए बोलता तो यहां देखो ये a क्यूब माइनस b क्यूब को रखूंगा, बाकी जो भी टर्म बचा उसको एनएचएस में भेज देते हैं, क्या हो जाएगा a माइनस b होल क्यूब और ये प्लस 3ab a माइनस b बन जाएगा। ठीक है, वापस से एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये वाला जो भी है सर बहुत जरूरी है, आप समझो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बात ही वैसा है, ये वाला ये सब पता होना चाहिए। सो ए क्यू माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्री बी इंटू ए माइनस बी, या फिर आप इससे ए माइनस बी कॉमन ले सकते हैं अगेन, और वो ऊपर वाला काम करके देखना तो आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाए। सो दिस इज वॉट फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा ही ए क्यू माइनस बी क्यूब का भी दो फॉर्मूला बिना, फर्स्ट इज ए क्यू आनंद। हाँ सर। तेरी हरकतें मुझे कई बार पसंद नहीं आ रही, ध्यान से आराम से, ज्यादा इरिटेट मत। ओके सर। बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ ना, इज्जत से रह, चुपचाप पढ़ाई कर। और ध्यान तेरा इधर ही रहना चाहिए और कैमरा तेरा एक बार भी ऑफ नहीं होना चाहिए। ओके, सो a माइनस b होल क्यूब से a क्यूब माइनस b क्यूब फाइंड कर सकते हैं। सो a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab इनटू a माइनस b, या दूसरा उसका इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म भी हो सकता है कॉमन लेके दोनों से a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस a प्लस b स्क्वायर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके यस सर। हां सर। दिक्कत किसी को? आगे एक जो बचा है दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ये बहुत फेमस सा है, और ये क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। देखो ये भी बहुत अच्छा राइमिंग वाला होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सच में एक्चुअली राइम, तुम्हें खुद भी पता चल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab। सर मैं बोलूं आगे? अरे तेरे बोलने से पहले मैंने लिख दिया। अरे सर ठीक है सर, कोई बात नहीं। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ab प्लस ab प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, याद रहेगा? बताइए, याद करने के लिए भी आसान होता है। हां सर। ठीक है, तो ये भी ये सारे लगभग आइडेंटिटीज हो चुके हैं, अब ये जो आपका बचा था नोट डाउन करो, फिर इस पे आप एग्जांपल करते रहेंगे ताकि और अच्छा अपना ये सब याद होता रहे, लिख लीजिए।
सर वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को जो आपने इम्पोर्टेंट लगाया उसके नीचे वाला क्या है? तो नीचे वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही है ना, उसका फैक्टराइज्ड फॉर्म है बस, ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही है। ओके ओके सर। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। इसके अलावा मैं दो चार और आपको रिलेटेड इससे कुछ और आइडेंटिटीज बताऊंगा, बट अभी पहले आपका ये है कि ये सब अच्छे से याद रखना। ओके, बहुत अच्छे से ये सब आपको याद कर लेना है, कभी नहीं भूलना है। ऐसा नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकता हूँ आपसे, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके क्या बोलो? माइक पास करो, आवाज नहीं आ रही सर। ऐसी इनफाइनाइट आइडेंटिटीज होती हैं? आइडेंटिटीज होने के लिए तो इनफाइनाइट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जरूरत के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। सो यूज इतने आइडेंटिटीज का ही होता है, इतना से काम मस्त चलता है और मस्त सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो होने के लिए तो कुछ भी आइडेंटिटी बना सकते हैं आप, इतने का मतलब नहीं है, है ना? तो ये अपना यूजफुल है, इसलिए ये पता होना चाहिए। ठीक है? ओके सर। ओके सर, और कोई डाउट ऐसे किसी का? नहीं ना? नो सर, नो डाउट। ओके चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं इसके बाद। ओके ओके सर। ओके सर, बाय बाय। एक सेकंड, आपका होमवर्क है ये सबको याद करना और ट्राई करना, हो सकता है कि आपसे ना हो, ज्यादा चांस है। लास्ट वाले का प्रूफ तो नहीं बताया ना मैंने, तो लास्ट वाला प्रूफ करना है, ट्राई करना है। ओके सर, हो जाए तो अच्छी। ओके और एलएचएस से आरएचएस करना है, आरएचएस से एलएचएस नहीं करना, एलएचएस से आरएचएस करना है। ठीक है, ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, तो मैं बताऊंगा। ओके ये बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ नाइस सर, थैंक यू। ओके बाय सर, थैंक यू।